एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। गरीब अगड़ों को आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक ठहरा दिया है। नौकरी शिक्षा में 10% आरक्षण जारी रहेगा, तो 5 में से 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहरा दिया है। तो वहीं ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। तो आपको यह भी बता दें कि 5 में से 3 जज सहमत हैं और 2 जज असहमत हुए। तो सीजेआई और जस्टिस रविंद्र भट्ट आरक्षण के खिलाफ माने गए हैं। तो सीजेआई यूयू ललित ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ हैं। तो देश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। बड़ी और राहत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संवैधानिक पीठ की 4 पीठ ने जजमेंट प्रोनाउंस किया। जजमेंट बहुत बड़े थे। उसके बाद जस्टिस 3 जजों ने उसमें कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ये संविधान की मंशा के विपरीत नहीं है और एक्सक्लूजन जो किया गया है वो संविधान की जो मूल भावना है या उसके अनुच्छेद हैं उसके अगेंस्ट है। भोपाल से मेरी सहयोगी मितांशी जोशी और नेहा के शर्मानी हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मितांशी जोशी का। मितांशी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है, इसका कितना और किस पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा? देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 जजेस की जो बेंच थी उसमें से 3 ने वोट करते हुए इस आरक्षण को मंजूरी दे दी। हालांकि 2019 में इसको लेकर ये प्रस्ताव रखा गया था और उसके बाद जो है कई लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन इसको संवैधानिक ठहराते हुए आज यहाँ पर जजेस की बेंच ने इसको पास कर दिया है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका आरक्षण थोड़ा बाहर जा सकता है। हालांकि 2019 में कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने पूरी तरीके से इसको संवैधानिक मानते हुए अनुमति देते हुए इसके प्रस्ताव को पास कर दिया था। तो मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन अगर हम बात करें तो अब जो है इसको लेकर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 48% जो है आरक्षण पहले से ही रिजर्व है, जिसमें ओबीसी एसटी एससी आते हैं, और इसको लेकर थोड़ी परेशानी 50% के ऊपर ये जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 22% ओबीसी की फिलहाल अगर हम बात करें, 22% ओबीसी जो है वो बिलोंग करता है, अलग अलग जो है जिलों से रहता है, तो इसमें जो है थोड़ा सा जो यहाँ पर है मामला बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि 10% आरक्षण हालांकि मध्य प्रदेश में पास किया जाएगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को जो है हाईकोर्ट ने हवाला दे दिया था, सरकार ने हाईकोर्ट को कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन अब पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सामान्य वर्ग की जो जनता है, गरीब वर्ग की जो जनता है, उनके लिए एक ये बड़ा फैसला है, क्योंकि कई लोग इसका विरोध तो कर ही रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से 50% के अंदर ही संवैधानिक करार दिया है, और कहीं ना कहीं एक ये बड़ी खबर है। हालांकि भी पिछले समय हमने देखा था जो भी भर्तियां निकली थी उसमें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के 10% अगर चयन शिक्षकों की बात करें, 10% की जो है छूट ईडब्ल्यूएस आरक्षण वालों को दी गई थी, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ये फिलहाल लागू है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के बाद क्या कुछ बदलाव होते हैं, क्या कुछ फैसला इसको लेकर आता है, ये देखना भी फिलहाल काफी ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस वर्ग को फिलहाल एक ये बड़ी राहत है, मध्य प्रदेश में भी इसको पूरी तरीके से लागू किए जाने की तैयारी है। कांग्रेस सरकार ने बात करते रहेंगे। इसी बीच मेरे सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, गरीब अगड़ों के तबके के लिए आरक्षण की मांग लंबे समय से उठती रही है, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है, ये बड़ा सामाजिक बदलाव, क्या इसे माना जाएगा? बिल्कुल, ये साफ तौर से कहा जा सकता है एक बड़ा सामाजिक बदलाव के तौर पे इसे देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से छत्तीसगढ़ में भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर मानी जा सकती है। हालांकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यदि हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो आदिवासी की यहाँ पर जनसंख्या बाहुल्यता देखी जाती है, और उनके आरक्षण की लड़ाई भी यहाँ पर जो है वो लड़ी जा रही है। और इसी बीच ईडब्ल्यूएस की 10% जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया है, ये कहीं ना कहीं यहाँ के आम लोगों के लिए भी ये एक राहत भरी खबर जो है वो मानी जा सकती है। तो इस तरीके से अभी फिलहाल जो है यहाँ अगर हम छत्तीसगढ़ सरकार के हम बात करते हैं तो यहाँ पर आरक्षण को लेकर के 50% आरक्षण जो है से ज़्यादा जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया था उसके बाद से ही यहाँ पर एक आरक्षण का मुद्दा भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार आदिवासियों के लिए भी जो है ये आरक्षण, उनको आरक्षण दिलाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर हर संभव प्रयास जो है वो यहाँ पर कर रही है। और इसी बीच इन सामान्य वर्गों के लिए, गरीब तबकों के लिए ये जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। जी जी बिल्कुल, राहत भरी खबर तो ये बताई जा रही है। मितांशी,
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया है जिसमें से तीन जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में रहे, लेकिन सीजेआई समेत दो इससे असहमत भी हैं। इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, जाहिर सी बात है, जब इसको लेकर 2019 में वोटिंग हुई थी तब भी कई ऐसी पार्टीज थी, कई लोग तो उसमें वोटिंग में मौजूद नहीं थे, लेकिन तब भी ऐसे कुछ पार्टीज थी जो कि इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा है, चाहे हम ओबीसी वर्ग की बात करें, जनजाति वर्ग की बात करें, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और आदिवासी लगातार जो है आरक्षण को लेकर मांग कर रहे थे। कहीं ना कहीं सरकार भी जो है जनजाति जो हम वर्ग कह सकते हैं, आदिवासी वर्ग कह सकते हैं, ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है, लेकिन 50% का जो एक आरक्षण की हम बात कहते हैं उसके अंदर ये सब चीजें नहीं आती, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी के साथ साथ बिल्कुल नौकरी शिक्षा में 10% आरक्षण जो है जारी रहेगा। ये राहत भरी खबर जो है वो सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा और अमृतांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।